वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होगी। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर यूजिंग LM358 आईसी को इस्तेमाल करते हुए मैं बैटरी कट आउट बनाऊँगा और आपको इसका एक एक कंपोनेंट की डिटेल बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर कंपोनेंट का फंक्शन भी ईजिली समझ जाएंगे और ये सर्किट किस तरह फंक्शन कर रहा है वो भी आप इजीली समझ पाएंगे। और इस पूरे सर्किट के डायग्राम मैं पीडीएफ फाइल में रख दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके हर कंपोनेंट की वैल्यू भी देख सकें और इस सर्किट को खुद डिज़ाइन भी कर सकेंगे। तो मैं LM358 को इस्तेमाल करते हुए और एक रिले का इस्तेमाल करते हुए ये कटआउट बनाऊँगा। ये मैंने 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया है। अगर किसी के पास लिथियम बैटरी है 3.7 वोल्ट की, तो वो भी बता दूंगा कि अगर 3.7 वोल्ट के लिए डिज़ाइन करना हो तो इसमें क्या चेंजिंग करनी होगी। तो इसके लिए वीडियो एंड तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि अगर बीच में कोई भी पार्ट मिस कर गया तो फिर आगे समझ नहीं आएगी। चार्जिंग की LED कब ऑन होती है, कैसे ऑन होती है, जब बैटरी फुल हो जाती है तो ये किस तरह कटआउट कराता है और फुल की इंडिकेशन किस तरह आती है, तो ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो इन पॉइंट पर आप नोट करें, ये मेरे 14 वोल्ट डीसी है, 14 या 13.5 जो हमारे चार्जर जो हमारी पावर सप्लाई से हमको मिल रहे हैं। उसके बाद ये पार्ट, ये कार्ड जो होगा ये हमारा कटआउट सर्किट है। तो इसमें एक LM358 का इस्तेमाल किया गया है। LM358 बेसिकली दो कंपैरेटर पर मुश्तमिल है, तो यहाँ मैं उसकी एक साइड का एक ही कंपैरेटर इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इसी से मैं इस रिले को ऑन ऑफ करवाऊँगा। तो सबसे पहले इसका मैं आपको पावर सर्किट बता दूँ कि बैटरी के साथ किस तरह जो कनेक्ट अप है। ये मेरी प्लस साइड है और ये मेरी नेगेटिव साइड है। मैं यहाँ डिटेल से बताऊंगा ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी आसानी से समझ आ जाए, कोई पॉइंट मिस ना हो। ये अगर ये एक साइड पे लेके चलते हैं, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है और ये मेरी बैटरी है। तो नेगेटिव पॉइंट अगर जहाँ से आप नोट करें तो ये डायरेक्टली आके आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट अप हो गया। आप पॉजिटिव लाइन को लेके चलते हैं कि पॉजिटिव लाइन किस तरह आ रही है। ये मेरी पॉजिटिव लाइन है, जहाँ से आते हुए यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूँ सर्किट को, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव जहाँ इन हुई और यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गए, क्योंकि ये मेरे पास 12 वोल्ट की रिले है, ये 5-10 एम्पेयर की, वो आप एज़ पर रिक्वायरमेंट जो आप मतलब आप बड़ी बैटरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा एम्पेयर रेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी रिले की सिलेक्शन करेंगे कौन सी रिले लगानी चाहिए। इसका एक नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है और एक नॉर्मली ओपन कंटेक्ट है। तो जब तक हमारी रिले एनर्जाइज नहीं है तो हमारे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आके, जो इसके नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है जो कि इसके साथ कुछ कनेक्टर नहीं है, यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डिसकनेक्ट है और ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसने इस जो पाथ है इसको फॉलो करते हुए बैटरी तक पहुँचना है। अब इस रिले को कैसे बनाना है, तो पूरा मैकेनिज्म जो है इस रिले का है कि इस रिले को हम कैसे बनाएंगे कि हमारी बैटरी चार्ज हो, और इस रिले को कैसे हमने कट ऑफ कराना है ताकि हमारी बैटरी फुली चार्ज होने पे डिसकनेक्ट हो जाए और ओवर चार्जिंग से बच जाए और सेफली हमारी बैटरी सेफ मोड में काम करे। तो अभी इस रिले को मैं अगर आपको दिखा सकूँ, मैं फ़िलहाल इसका ये वाला पार्ट जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम देखें इस रिले को एनर्जाइज करने के लिए, यहाँ पे ये इसके पॉइंट हैं इसकी सप्लाई के, जो आपकी कॉइल को, सॉरी आपके रिले को एनर्जाइज करवाएंगे। तो प्लस मेरा बैटरी के टर्मिनल से ही आएगा, ठीक है, ये प्लस पहुँच गया। अब जो दूसरी चीज़ है, यहाँ इसको नेगेटिव प्रोवाइड करनी है। तो हमारी नेगेटिव कहाँ से आएगी, आप देख सकते हैं कि ये इसका नेगेटिव एंड है। तो इस नेगेटिव ने यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद आपकी रिले एनर्जाइज होगी। रिले एनर्जाइज होगी तो हमारा जो नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है ये ओपन हो जाएगा, और ये ओपन कंटेक्ट है ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने पे इस पाथ को फॉलो करता हुआ हमारा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब बात ये है कि ये जो है मेरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि बीच में मेरा एक NPN का ट्रांजिस्टर है BC547,
BC557 ये एक एन पिन ट्रांजिस्टर है, इसके गेट पे जब आपको प्लस का सिग्नल मिलेगा तो ये अपने एक्टिव रीजन में जाएगा, जब ये तो ये प्लस का जो हमारा सिग्नल है वो हमको LM358 देगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह आएगा हमारा सिग्नल। तो जब ये अपने एक्टिव रीजन में जाएगा तो ये नेगेटिव यहाँ से इस रिले को मिलेंगे, इस पास पॉजिटिव ऑलरेडी इस पे अवेलेबल है, तो हमारी रिले एनर्जाइज होगी, हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे एक आपको एक डायोड नज़र आ रहा होगा, तो ये यहाँ पे एक स्नबर सर्किट है, मैं अपनी कुछ पहली वीडियोस में भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्नबर सर्किट क्या है, क्योंकि हमारी चाहे ट्रांसफार्मर के केस में हो या रिले के केस में हो या कोई भी इंडक्टिव लोड हो, क्योंकि जब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडक्टर को, इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होती है, तो EMF इंड्यूस्ड होती है और इसकी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड वोल्टेजेस के उलट होती है, रिवर्स होती है। जब ये रिले हमारी डी इनर्जाइज होगी तो इसमें क्या होगी, वो जो हमारी बैक EMF है वो फ्लो करेगी, तो वो हाई वोल्टेजेस होंगे, तो उनकी डायरेक्शन अगर यहाँ प्लस है इस नॉर्मल स्टेज में या नेगेटिव है, जब हमारी रिले इनर्जाइज होगी तो यहाँ पे इसके अंदर जो बैक EMF है उसका पॉजिटिव ये बन जाएगा और ये साइड इसकी नेगेटिव एक्ट करेगी, तो हमारा ये जो NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे है BC547 इसको ये बंद करवा देगी। तो इस चीज़ को सेव रखने के लिए जहाँ हम स्नबर सर्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये तो होगा हमारा स्नबर सर्किट, रिले इनर्जाइज, डी एनर्जाइज। अब हमारा यहाँ पे जो है पॉजिटिव सिग्नल हमें कैसे मिलेगा कि हमारी हमारा NPN ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जाए और हमारी रिले को एनर्जाइज करे, रिले एनर्जाइज होने के बाद हमारी बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब वो पॉजिटिव पल्स किस तरह आएगी। LM358 मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक घोटकी चार्जर या चाइना चार्जर में LM358 का जहाँ इस्तेमाल किया गया किया है, तो मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि LM358 के अंदर कंपैरेटर किस तरह काम कर रहा है, कंपैरेटर को हम किस तरह VCC दे रहे हैं और उसको ग्राउंड किस तरह दे रहे हैं और ये किस तरह काम करता है। तो LM358 को थोड़े बता दूँ कि इसका जो पॉइंट नंबर 8 है ये VCC है, यहाँ पे मैंने 14 वोल्ट DC, यहाँ पे इसके प्लस है और ये इसका जो 4 नंबर पिन है ये इसका ग्राउंड है, तो ये हमारी इसकी बाइसिंग कंप्लीट हो गई। जो इसकी 7 नंबर पिन है वो आउट है, जो इसकी 6 नंबर पिन है नॉन इन्वर्टिंग है, और जो हमारी 6 नंबर पिन है इसकी वो इन्वर्टिंग है और हमारी 5 नंबर पिन नॉन इन्वर्टिंग है। अब इसकी जो हम इसके ऊपर जो रेफरेंस सेट करते हैं वो अपने वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी आउटपुट चाहिए, नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, तो इन दोनों इसको ये फिर कंपेयर करके हमें उसके लिहाज से आउटपुट प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें स्टार्ट में चाहिए कि हमारी बैटरी चार्ज हो, तो यहाँ हमें पॉजिटिव सिग्नल चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो इनपुट हाई होगी आउटपुट पे वही हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मुझे हाई आउटपुट चाहिए प्लस की सूरत में, तो मैं इसकी जो रेफरेंस इस पे सेट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस पॉइंट से मैंने लेके एक रजिस्टर किया ग्राफ, जहाँ 6 वोल्ट का जीनर इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैं जीनर के बारे में बता दूं, जीनर हमारा रिवर्स बायस में काम करता है, ये लेट्स सपोज कि जब इस पे 1 वोल्ट आएगा तो ये उनको ग्राउंड नहीं कराएगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट तक यहाँ होल्ड कराएगा, और हमारी ये जो इनपुट प्लस की इनपुट है जहाँ पे हमारे पास 6 वोल्ट का रेफरेंस मौजूद है, ठीक है, 6 वोल्ट से ऊपर जो भी वोल्टेज होंगे तो वो इनको ग्राउंड करा देगा। तो ये 6 वोल्ट रखने का मकसद है कि मुझे मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस सेट किया है वो 6 वोल्ट का है, ठीक है। अब 6 वोल्ट ज़्यादा है और इस टाइम पे क्योंकि हमारी बैटरी, मैं आपको जो इसका ये साइड है एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस टाइम ये मुझे प्लस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव मेरी नेगेटिव पॉइंट पे जो वोल्टेजेस हैं वो लेट्स सपोज कि इस 6 वोल्ट से कम है, तो मैं बता चुका हूँ कि जो रेफरेंस ज़्यादा होगा हमें आउटपुट पे वही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि प्लस की सूरत में मेरे पास 6 वोल्ट हैं और लेट सपोज कि यहाँ इससे मेरे पास 5 वोल्ट हैं या 4 वोल्ट हैं तो वो इससे कम है, तो मेरी आउटपुट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो हमारा ये एक्टिव रीजन में जाएगा,
GC547 ट्रांजिस्टर, हमारी रिले एनर्जाइज जो हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ साथ और क्या होगा, हमारी चार्जिंग की इंडिकेशन कैसे आएगी? अच्छा, आप देख सकते हैं, अगर चार्जिंग इंडिकेशन की बात करें तो इसी प्लस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ, एक 1K के रजिस्टर के बाद ये चार्जिंग LED है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब जहाँ प्लस इस पे अवेलेबल है, अगर यहाँ से नेगेटिव देखें तो इस टाइम हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, यहाँ से हमारा नेगेटिव होता हुआ हमारी LED को मिलेगा और हमारी LED ग्लो करना शुरू हो जाएगी और हमें इससे शो होगा कि हमारी बैटरी इन चार्जिंग है। ठीक है, अगर आपको एक और चीज़ भी नज़र आ रही कि ये जो फुल की इंडिकेशन है ये क्यों नहीं ऑन होती, क्योंकि इसको पॉजिटिव यहाँ से मिल रहा है और नेगेटिव यहाँ से मिल रहा है, तो सवाल तो है। लेकिन इसका आप दूसरी साइड पे आप ये भी देखें कि आपको जहाँ से नेगेटिव, जहाँ एक डायोड इस्तेमाल करते हो, इसके प्लस पॉइंट भी दिया हुआ है, जहाँ पे प्लस है और जहाँ से नेगेटिव है, तो इसलिए ये LED यहाँ पे ऑन इसको नहीं होने देगा जब तक यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव का मौजूद है। ये क्योंकि रिवर्स बायस में ये नेगेटिव है, तो ये आपका डायोड कंडक्ट करेगा, तो इस प्लस और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये LED को ऑन नहीं होने देगा। अब ये LED फुल कब ऑन होगा, जब ये हमारा पैसिव मूड में चला जाएगा, जब हमारा ट्रांजिस्टर जब बंद होगा बैटरी फुल होने की सूरत में, ट्रांजिस्टर जब कट आउट हो जाएगा तो ये वाले नेगेटिव वोल्ट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो मौजूद होंगे। ये ज़ीरो होने पे ये डायोड जो है ये भी कंडक्ट करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे प्लस मौजूद होगा और यहाँ पे नेगेटिव मौजूद होगा, तो हमारी बैटरी फुली चार्ज की इंडिकेशन शो करेगी और चार्जिंग वाली इंडिकेशन बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा ये नेगेटिव वोल्ट यहाँ पे नहीं है, जब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज नहीं होंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ को प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी और नेगेटिव यहाँ से मिलेगी, तो उसमें हमारी फुल की इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगी। अब एक सवाल अभी तक रह गया कि बैटरी को कट कैसे कराएगा। तो कट के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक मैंने प्री सेट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल करते हुए दो रजिस्टर को, और यहाँ पे इसको टैप जिसको हम वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे इसी बैटरी के टर्मिनल से आ रहे हैं। लेट्स सपोज स्टार्ट में यहाँ बैटरी पे 10 वोल्ट थे जब इसको हमने कनेक्ट किया, ये 10 वोल्ट अगर मैं यहाँ से ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे ले आऊँ, जहाँ पे ये मेरा वेरिएबल ट्रांजिस्टर है, लेट्स सपोज यहाँ पे जब 10 वोल्ट हैं तो यहाँ पे उस टाइम मैंने इस वेरिएबल को सेट किया था, तो यहाँ पे ये मुझे दे रहा था 10 वोल्ट थे, तो यहाँ उस टाइम मेरे पास मैंने जो इस पे सेटिंग की है, जो इस पे मैंने फिक्स किए हैं इस वेरिएबल को, 3 वोल्ट थे। ठीक है, और आगे अगर यहाँ पे जब 13 वोल्ट होंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 13.5 वोल्ट होंगे तो यहाँ हमारे 4.5 वोल्ट हो जाएंगे। मतलब ये सेटिंग खुद पहले एडजस्ट करने की, मैंने बैटरी कहाँ कट आउट करानी है, मैंने इस रेफरेंस तक लेके जाना है कि इस 6 वोल्ट से ज़्यादा करना है। जब इन 6 वोल्ट से ज़्यादा करूँगा फिर मेरे ये नेगेटिव जहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो इन 6 वोल्ट से 6.1 जब होगा, तो जहाँ पहले जो हमारी आउट हो रही थी वो प्लस हो रही थी, क्योंकि उस टाइम हमारा प्लस का रेफरेंस ज़्यादा था, जब मेरा नेगेटिव का रेफरेंस उसमें यहाँ पिन इन्वर्टिंग पिन पे बढ़ेगा, तो फिर ये जिसकी हाई आउटपुट थी वो लो हो जाएगी, मतलब नेगेटिव जाना शुरू हो जाएगी, और आगे क्योंकि हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, अगर इसको मैं यहाँ नेगेटिव प्लस दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, और बंद होने की सूरत में मेरी बैटरी रिले डी एनर्जाइज हो गई, रिले डी एनर्जाइज होने की सूरत में यहाँ से पॉजिटिव कट हो जाएगा और मेरी बैटरी सेफली ये कट आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जब 14 पॉइंट होंगे, लेट्स सपोज 14.5 जब यहाँ पे वोल्ट हों, तो मैंने इसकी सेटिंग ऐसे की होगी कि यहाँ पे लेट्स सपोज के 6.5 वोल्ट हो जाए, वो 6.5 वोल्ट जब इसकी इन्वर्टिंग पिन पे आएंगे, क्योंकि इसके नॉन इन्वर्टिंग पे मैंने 6 वोल्ट रखे हैं, जबकि इस प्रीसेट से जो अब मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि जहाँ बैटरी का पोटेंशियल बढ़ गया है 14.5 तक चला गया है या 13.5 जहाँ पे आप सेट करेंगे, तो अब क्या होगा, जब ये हाई था तो ये मुझे प्लस की आउटपुट दे रहा था कंपेरेटर, जब इसकी इन्वर्टिंग वाली इस पिन पे मेरे ये 6.5 वोल्ट हुए, 6.5 वोल्ट इन 6 वोल्ट से ज़्यादा हैं, तो तब मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, लो मिलेगा, मतलब पहले प्लस आउट कर रहा था तो अभी ये
नेगेटिव आउट करेगा, जब ये मेरी नेगेटिव यहाँ पे पहुंचेगी तो, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो बेस है वो पॉजिटिव होती है, यहाँ मेरा नेगेटिव है तो ये मेरा पैसिव रीजन में चला जाएगा या बंद हो जाएगा। तो उस सूरत में ये जो नेगेटिव इस रिले को जा रहा था तो ये बंद हो जाएगा, इस तरह हमारी रिले डी एनर्जाइज होगी। डी एनर्जाइज होने की सूरत में ये प्लस जो मेरा यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होके बैटरी को जा रहा था तो वो क्या होगा, कट आउट हो जाएगा और हमारी बैटरी उस सूरत में कट आउट हो जाएगी। और इस इंडिकेशन के बारे में बता चुका हूँ कि इस इंडिकेशन को प्लस तो यहाँ से मिल रहा था और नेगेटिव यहाँ से मिलेगा तो हमारी फुल की इंडिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि ये हमारा ट्रांजिस्टर उस टाइम कट आउट हो जाएगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जिंग को मिल रहा था उस टाइम चार्जिंग वाली इंडिकेशन ऑफ हो जाएगी। तो ये तो हमारा LM358 को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर। अब मैं ये जो इसकी फाइल है PDF की, उसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आके अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने आगे बताया था कि अगर इससे 3.7 वोल्ट का लिथियम का सेल है या लिथियम वाली कोई छोटी बैटरी है, अगर उस पे इस सर्किट को हम अगर अप्लाई करें तो इसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपने ये जो जीनर है, ठीक है, ये आपने 4 वोल्ट का या 3.5 वोल्ट का ये रखना होगा क्योंकि रेफरेंस उसके लिहाज से सेट होगा। दूसरा, क्योंकि ये जो मेरी रिले है ये 12 वोल्ट की रिले है तो अगर आपकी बैटरी 3.7 वोल्ट की है तो उस पर 12 वोल्ट की रिले तो काम नहीं करेगी। तो इसके लिए क्योंकि 3.7 है और जो आप चार्जर से पीछे उसको इनपुट दे रहे होंगे वो भी उसी के मुताबिक सेट होगी तो ये रिले चेंज होगी। ये 4 वोल्ट, 3 वोल्ट या 5 वोल्ट के आप लगाएंगे और इस जीनर को भी उसके मुताबिक रेफरेंस सेट करेंगे, 3 वोल्ट या 4 वोल्ट का आप जीनर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इस LM35 को इस्तेमाल करते हुए जो जो ऑटो कट आउट बनाएंगे तो आप लिथियम बैटरी या 3.7 वोल्ट की कोई जो बैटरी होगी उसके लिए एज ए कट आउट सर्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।